वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड आज का व्लॉग जो है वो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा, अ डे इन माई लाइफ। सो या गाइज, बहुत दिनों से मैंने व्लॉग जो है वो क्रिएट नहीं किया था अ डे इन माई लाइफ से रिलेटेड, तो मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग क्रिएट किया जाए अ डे इन माई लाइफ से रिलेटेड। तो फर्दर अभी जो है सुबह के 9:30 अप्रोक्स हो रहे हैं एंड 10 बजे से मेरी जो है कॉलेज जो है स्टार्ट हो जाती है। एज़ यूज़ुअल आप लोगों को पता चल ही गया होगा मेरे प्रीवियस ब्लॉग से। तो आज की मेरी जो डेली एक्टिविटीज़ है वो 2 क्लासेस एंड 1 लैब डेमोंस्ट्रेशंस है। तो ये सारी चीज़ें हैं एंड फर्दर अभी मैं चलती हूँ कॉलेज एंड वहाँ जाके अभी मैं पंचिंग जो भी है अपनी अटेंडेंस लगाऊंगी एंड उसके बाद फर्दर आगे की एक्टिविटी जो है मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। सो आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, कीप वॉचिंग कीप लविंग मी। गाइज चलते हैं अभी हम कॉलेज एंड मिलते हैं आपसे लेटर ऑन, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो हे यूट्यूब फैमिली, तो अभी मैं जा रही हूँ NM फर्स्ट ईयर में चाइल्ड हेड नर्सिंग की मेरी क्लासेस है तो वहाँ पे क्लासेस कंडक्ट करने एंड होपफुली उसके बाद आज की मेरी पूरी शेड्यूल जो है वो एक प्रैक्टिकल और एक बीच नर्सिंग में है। तो आज प्रॉपर 3 ही क्लासेस मुझे अरेंज करने हैं, तो अभी चलते हैं NM फर्स्ट ईयर में, देन उसके बाद आपसे मीटअप होते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। Much late. So finally guys, मेरा एक क्लासेस जो है वो कवर अप हो गया जो कि NM फर्स्ट ईयर का क्लास था चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का। एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेक द अनदर क्लासेस विच इज़ BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर, देन वो क्लासेस लेके एंड क्लासेस कंडक्ट करने के बाद मैं आपसे मीटअप होती हूँ, देन उसके बाद जो है लंच का सेशन होगा, तो स्टे ट्यून। सो गाइज अभी मैं क्लासेस जो है इंगेज करके आ गई हूँ एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेक माई लंच। तो अभी लंच ब्रेक हो गया है तो जाते हैं रूम, देखते हैं क्या क्या लंच बना सकते हैं एंड फर्दर आपसे मिलते हैं। तो फाइनली गाइज मेरा लंच ब्रेक हो गया एंड मैं अभी रूम पे आई एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, हद से ज़्यादा वाला गर्मी चल रहा है एंड अभी का टेम्परेचर जो है यहाँ पे तो थोड़ी सी ज़्यादा हीट लग रही है। तो अभी आ रहे हैं, देखते हैं क्या बनाते हैं एंड ऑलमोस्ट मैंने सुबह में राजमा जो है सोक करने के लिए डाल दिया था, तो अभी मैं राजमा और चावल बनाऊंगी जो कि सिंपलेस्ट और इजी है एंड आफ्टर दैट लंच करने के बाद हम लोग ऑफिस एरिया में मिलते हैं। फ्यू मोमेंट्स लेटर। That same evening. So guys, finally हमारा day off हो चुका है and सब लोग जो है अपना अपना lesson plan नीचे जाके submit करेंगे जो भी हमने आज की classes ली उसके according. So अभी चलते हैं हम लोग नीचे attendance लगाने, then उसके बाद further room जाएंगे and आगे की जो भी activity होगी मैं आपसे share करती हूँ, तब तक के लिए stay tuned. Guys, अभी मैं जस्ट अपने ड्यूटी कंप्लीट करके आई एंड जैसे मैं आके फ्रेशन अप हुई और थोड़े सी स्नैक्स वगैरह जो भी है टी और बिस्किट ये सारी चीज़ें मैं प्रेफर कर ही रही थी अपने लिए, तब तक से मेरी फ्रेंड ने जस्ट बोला कि चलो रिलायंस ट्रेंड जाते हैं एंड वहाँ पे जितनी भी ग्रोसरी की हमारी आइटम्स ख़त्म हो गई है, इट मीन्स कि राशन, तो वो सारी चीज़ें ले लेते हैं एंड थोड़ा सा खुद को पैम्परिंग भी कर लेंगे। तो अभी चलते हैं रिलायंस ट्रेंड्स एंड देन उसके बाद वहाँ जाके जितनी भी वेजिटेबल्स वगैरह जो कुछ भी परचेज करनी है वो सारी चीज़ें करेंगे एंड देन उसके बाद आफ्टर दैट मैं आप लोगों से मीटअप होती हूँ। तो चलते 15 मिनट्स लेटर। फाइनली गाइस सेल्फ पैम्परिंग हो चुकी है मेरी और
सुहानी मैम की लगभग एक साल के बाद आईब्रो बनाई है, इसलिए आईब्रो बनाते बनाते रोने लगी थी। बिकॉज गाइस मैं बहुत जल्दी, मतलब होता है ना कि बहुत जल्दी जल्दी आईब्रोज बनवाना, थ्रेडिंग करवाना, ये सारी चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। मैं बहुत मतलब कम 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 जल्दी बनाएंगे तो फिर इतना ज़्यादा पेन नहीं है। मैं बहुत कम कम डेज पे करती हूँ ना, मतलब होता है ना कि चलो ईयर में मंथ में थ्री मंथ्स में एक बार ऐसे करके यूजुअली, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा पेन होता है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं ग्रोसरीज आइटम्स स्मार्ट बाजार के अंदर, तो वहाँ देखते हैं क्या परचेज करते हैं। वैसे तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें नहीं लेनी है, बस यूं ही रैंडमली देखते हैं क्या क्या परचेज कर सकते हैं। एंड क्या क्या बिना लिखा हुआ टी कॉफी एंड ये सुगर, तो कोई इशू नहीं आता। 99 में तो अच्छा है ना, पर जैसे इसमें कुछ कुछ स्टोर कर लेंगे। गड़बड़ी में गड़बड़ी कर दिया और हमने टूटा हुआ की ट्रॉली ले लिया है। हाँ टूटा हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना, टूटा हुआ ट्रॉली तो एक्सचेंज कर लीजिए ट्रॉली। तो हमने एक डब्बा लिया प्रॉपर ग्रोसरी की आइटम्स रखने के लिए। एंड Few moments later. Finally guys, हमने जो है छोटी मोटी शॉपिंग कर ली एंड अब जा रहे हैं ग्रॉसरी की शॉपिंग करने। देखते हैं ग्रॉसरी में कौन कौन से आइटम्स लेते हैं। इसके बावजूद भी इतना सारा चीज़ हम लोगों ने ले लिया। शॉपिंग जो है वो डन हो चुकी है एंड नहीं नहीं करने के बावजूद भी हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग कर ली। तो अब हम लोग जा रहे हैं गुपचुप खाने सबसे पहले, बिकॉज मुझे बहुत जोर से गुपचुप वाली क्रेविंग हो रही है। तो अभी गुपचुप खाएंगे देन उसके बाद फर्दर देखते हैं क्या करना है, क्योंकि मैम को थोड़ी सी बाहर में भी काम है, लाइक यहाँ जो टावर चौक है वहाँ पे। तो पहले वहाँ जाएंगे देन उसके बाद फर्दर आपसे गर्मी हो रही है अभी एंड अभी मैं जा रही हूँ शावर लेने एंड बहुत सारी चीजें बिग बाजार से परचेज की जो कि बहुत अच्छी हो। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या क्या यूज मतलब परचेज किया। तो सबसे पहला मैं कूट सा पिंक मतलब वेजिटेबल के लिए मैंने इसको स्पेसिफिक परचेज किया जो कि मुझे 69 रुपीज़ में मिली। एंड उसके बाद मैंने ऐसे छोटे छोटे 3 कंटेनर परचेज किए जिसपे कॉफ़ी शुगर एंड टी लिखी हुई है, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने ये परचेज किया। देन उसके बाद ये छोटी सी मैंने बोल सकते हैं ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ जब भी फेशियल एक्टिविटीज़ करते हैं तो इसे हम लोग अपने हेयर पे अटैच करते हैं, तो ये मैंने 30 रुपीज़ में परचेज किया। एंड देन उसके बाद मैंने ये एक कॉपर की फोक जो है ये परचेज की जो कि मुझे 99 रुपीज़ में मिली। इसमें एटलीस्ट मतलब 1 पेयर ऑफ कॉपर फोक है तो ये मुझे अच्छी लगी तो मैंने ये परचेज किया। देन उसके बाद मुझे 69 रुपीज़ में मिली जो मैंने 1 पेयर में, इट मीन्स कि 2 क्लासेस मैंने इसकी परचेज की। देन उसके बाद कुछ ग्रोसरीज के आइटम जैसे कुरकुरे और ये मैगी वगैरह परचेज किया। एंड ये मुझे 99 की 3 सेट्स ऑफ बकेट मिली जो कि वेजिटेबल के लिए बहुत ही अच्छी है, तो मैंने ये परचेज़ किया जो कि मुझे 99 रुपीज़ में मिली। तो ऑल ओवर मैंने ये सारी चीज़ें परचेज़ की गाइस। और एक रूम फ्रेशनर, तो आई होप आप लोगों को आज का मेरा ये पूरा डे जो है अच्छा लगा हो। एंड बहुत जल्दी हम लोग और भी नए नए प्यारे प्यारे ब्लॉग्स आप लोग आपके लिए क्रिएट करूंगी बहुत जल्दी। मैं अभी मैं जा रही हूँ जल्दी से गाइज शार लेने एंड उसके बाद फर्दर मैं अपने डिनर के लिए प्रिपरेशन करूंगी। डिनर में ऑलमोस्ट मैंने बाहर से डोसा ही अपने लिए मतलब बाई किया है, तो मैं अभी डोसा खाऊंगी डिनर में। एंड देन उसके बाद फर्दर आगे की जो भी एक्टिविटी है अपनी सारी वो चीज़ें करेंगे। एंड मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फॉर माई फ्रेंड।